हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। हाल ही में जो गाजा में और जो लेबनान पर इजरायली हमलों में दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस हिंसा का दर्दनाक असर, इससे जुड़े पॉलिटिकल इश्यूज और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजरायल फिलिस्तीन और लेबनान के संघर्ष के बारे में। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दशकों से इन दोनों देशों के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मतलब सीमा पर जो भी विवाद हैं, धार्मिक मतभेद हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हैं, इनकी वजह से संघर्ष होते रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल और लेबनान के बीच में भी हिजबुल्ला की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। हिजबुल्ला एक शिया संगठन है जिसे ईरान का सपोर्ट है और इसका उद्देश्य इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। ये संघर्ष न केवल इन तीन देशों को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हाल ही में जो हमले हुए हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं और उसमें मासूम नागरिकों की जो जाने गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। गाजा और लेबनान पर हुए हाल ही के हमलों में कई मासूमों की जाने चले गई। गाजा के नॉर्थन एरिया में जबलिया के रेफ्यूजी कैंप में बहुत सारे ऐसे घर थे, वहां पर उनको निशाना बनाया गया, जिसमें कई परिवार मलबे में दब गए। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके अनुसार यहाँ कम से कम 33 लोग मारे गए, जिनमें 13 बच्चे शामिल थे। लेबनान के नॉर्दर्न इलाकों में अलामात नाम से एक गांव है, वहाँ पर हमले में भी 20 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई। वहाँ के जो सिविलियंस थे उन नागरिकों की जाने चली गई, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। इस तरीके से एक डिस्प्लेस्ड फैमिली थी, वहाँ पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रही थी, वो अचानक से हवाई हमले की चपेट में आ गई। जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ सर्विसेज हैं, उन पर क्या असर हुआ है वहाँ पर, इस चीज के बारे में अगर बात करें तो इन हमलों का असर गाजा और लेबनान की हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर भी पड़ा है। हॉस्पिटल्स में जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी मेडिसिन्स हैं, उनकी कमी आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनका ये कहना है कि हवाई हमलों के दौरान बहुत सारी एम्बुलेंस थी या फिर जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको भी टारगेट किया गया था। इस चीज की वजह से उनका जो काम था वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन गया है। एक ऑफिशियल ने ये बताया कि जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको मलबे में दबे लोगों को अपने हाथों से ही बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट्स थे उनकी कमी आ गई थी या फिर वे इक्विपमेंट्स वहां पर अवेलेबल नहीं थे। हमले में जो भी सर्वाइवर्स हैं, जो भी बचे हुए नागरिक हैं, उनकी कहानी हमें ये समझने में मदद करेगी कि ये जो संघर्ष चल रहा है उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि अमीर अब्देल मोवाती, जिनके परिवार के 15 से 17 मेंबर्स इस हमले में मारे गए, वे ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार वालों के शवों को मलबे से बाहर निकाला और अंतिम संस्कार के लिए भेजा। ऐसी जो कहानियां हैं वो हमें ये एहसास कराती हैं कि इस हिंसा का दर्द बहुत ही ज्यादा गहरा है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इसके ऊपर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स किया है या फिर इंटरनेशनली इसका क्या रोल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमलों की निंदा की है, यूनाइटेड नेशंस ने चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस है उसके लिए तुरंत रास्ता खोला जाना चाहिए। अमेरिका ने भी इसराइल से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स का रास्ता खोलने की अपील की, ताकि गाजा में जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित खाना पहुंचाया जा सके और जो मेडिसिन्स हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे देश भी हैं जो इस संघर्ष को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। यूरोपियन यूनियन और अरब नेशंस भी हैं, कुछ इस मामले को मीडिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से शांति वापस लाई जा सके। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के बाद इस संघर्ष को जारी रखने की मंशा जताई है। उनका ये कहना है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान के खतरे को लेकर बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं। ये पॉलिटिकल सिनेरियो और दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है इस पूरे क्षेत्र में इनस्टेबिलिटी को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही इसराइल और ईरान के बीच में तनाव इसराइल के पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकता है।